हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एग्जाम किस प्रकार होता है, चाहे हम ये कह लें कि क्या चीटिंग वगैरह होता है कि नहीं। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया क्या अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, ये बता दीजिए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है वो उसमें क्या चीटिंग वगैरह होता है, कैसा एग्जाम होता है भैया, 10th 12th के एग्जाम के जैसा इसका एग्जाम तो कहीं नहीं ना होता है, ऐसा बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने एक बच्चे से बोला भी था कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो मैं उस वीडियो को यहाँ पर लेके आपके सामने आ चुका हूँ। बहुत बच्चे का ये क्वेश्चन होगा, मैं ये बात जानता हूँ, आप लोगों का होगा कि एग्जाम किस प्रकार से होता है, भैया एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वीडियो में ध्यानपूर्वक देखना और समझने का कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत बच्चे आपको ये भी मिसगाइड किए होंगे कि आप एग्जाम हॉल में जाना, आराम से पूरा पेपर लिख लेना, ये अगर बोले होंगे तो आप गलत हो। ये मत सोच के जाना कि एग्जाम हॉल में ही जाके मैं पूरा पेपर लिख लूँगा, पहले से मैं एक लाइन भी नहीं पढ़ूंगा। ऐसे बच्चे का ही बैक लगता है जो पहले से थोड़ा बहुत भी सिलेबस देख के एग्जाम हॉल में नहीं जाते हैं। समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले वीडियो को क्लियर अच्छे तरह से देखिए किस प्रकार से आप लिख सकते हो एग्जाम हॉल में। चलिए वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको इतना प्रिपेयर होकर जाना है कि एग्जाम कितना भी कारा हो आप कम से कम पासिंग मार्क्स लिख के आए। बहुत बार ये ऐसा केस आपके सामने हो जाता है कि आपका 5 पेपर अगर होगा तो उसमें से 2-3 पेपर आप आराम से लिख लीजिएगा, 1-2 पेपर में आपका पूरा गार्डिंग हो जाता है, तो उस केस में बच्चे का बैक लग जाता है। तो इतना कम से कम घर से पढ़ के जाए कि आप कम से कम अपना बैक लगने से बचा सकें। वो किस प्रकार करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो गेस पेपर जाइए खरीद के लाइए, और गेस पेपर से 100% क्वेश्चन लड़ते हैं। यहाँ पे पाटलिपुत्र लिखा हुआ रहता है, या तो A1 का होगा ना तो जसपाल का होगा, दोनों में से कोई भी गेस पेपर लीजिएगा तो उसको लेके आके उसको कम से कम इतना एग्जाम के 10 दिन पहले 5 दिन पहले एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कम से कम आप जाके 3-4 क्वेश्चन लिख के आ जाए अगर कितना भी गार्डिंग हो, ठीक है, गार्डिंग होगा तो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिस प्रकार क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम होता है क्या उसी प्रकार गार्डिंग होता है, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि टीचर ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे उस क्लास 10th और 12th से यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिचुएशन रहता है, क्योंकि टीचर ये चीज़ जानते हैं कि बच्चे को यहाँ पे 30-30 पेज 25-25 पेज लिखना रहता है और 5 ही क्वेश्चन आपको लिखना रहता है, उसका आंसर आपको देना रहता है। वही अगर 10th 12th का बात करें तो वहाँ पे 35-30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंडीशन रहता है वो दूसरा कंडीशन रहता है, थोड़ा गार्डिंग भी हार्ड होता है, ये सब वगैरह बहुत सारा वहाँ पे रहता है, क्वेश्चन आज ज़्यादा लिखना रहता है। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कम रहता है, 5 ही क्वेश्चन रहता है लेकिन 5 क्वेश्चन को बड़ा बड़ा करके लिखना रहता है। तो टीचर ये चीज़ जानते हैं कि हर बच्चा उतना चीज़ लिख नहीं सकता है, तो उस प्रकार से गार्डिंग नहीं होता है, मतलब आप फ्रेंड वगैरह से भी पूछ के लिख सकते हो। मोबाइल फ़ोन बहुत बच्चे लेके चल जाते हैं, ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़ाने के बाद आपका पेपर छीन लिया जाता है, आपका 1-1.5 घंटा समय बर्बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसा केस में मैं देखा भी हूँ और बहुत लोग मेरे को बता भी रहे थे, तो मोबाइल फ़ोन वगैरह से कोशिश करें कि ना लेके जाएं। और दूसरा चीज़, कुछ अगर आपके पास है पेज वगैरह लेके जा रहे हैं तो उतना तक हो सके तो चल जाता है, उतना आप लेके लिख सकते हो। मैं जो रियलिटी फैक्ट है वही बता रहा हूँ, बहुत बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, कितना भी कराई हो पेज वगैरह लेके चल जाते हैं और लिख भी लेते हैं, गेस पेपर भी बहुत बच्चे लेके चल जाते हैं, तो वहाँ पे डिपेंड करता है, पकड़ाने के बाद आप पे एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है, आपका पेपर मतलब 1/2 घंटा 1 घंटा के लिए छीन लिया जाता है, तो ये चीज़ पे ध्यान देना। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि आप चीटिंग के भरोसे मत जाइए, अभी से कम से कम इतना जरूर पढ़ के जाइए कि आपका कितना भी कारा एग्जाम हो आप पास हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।